हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप प्रेमी, सीएससी बड़ा गांव से। पहले तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं विश्व होम्योपैथी दिवस की। जैसा कि सभी को पता है कि आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। एक खुशी की बात यह भी है कि एक हमारे पेशेंट हैं मनीराम जी, 53 ईयर मेल पेशेंट हैं। इनको एक स्टोन था, रीनल स्टोन। इनकी सोनोग्राफी मैं आपको दिखाऊँ, ये इनकी सोनोग्राफी है, आप देख पाएंगे। 20/1/18 को इनको 8 mm का स्टोन था, ठीक है। अभी ये रिमूवल हो चुका है 9/4/18 को, आप देख सकते हैं किडनी अपीयर नॉर्मल, ब्रेस्ट नॉर्मल, सोनोग्राफी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे मनीराम जी से, जो कि अपने व्यू बताएंगे इस बारे में कि उनको किस तरह से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, क्या उनको रहा इसमें। तो आगे की बात अपन मनीराम जी से सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मनीराम सैनी नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं मनीराम जी? सैनीपुरा बड़ा गाँव। अच्छा, क्या उम्र होगी आपकी? उम्र मेरी करीबन 58-60 के करीब। अच्छा, क्या तकलीफ थी आपको? मेरे आधे हिस्से में दर्द रहता था। अच्छा, 2-3 साल से। मैंने बीकानेर जाके सोनोग्राफी कराई, जांच करवाई, तो 8 mm की स्टोन बताई मेरे। अच्छा अच्छा, मैंने वहाँ से अंग्रेजी दवाई न लेके यहाँ आके होम्योपैथी की दवाई ली। क्यों यहाँ पे होम्योपैथी दवाई क्यों ली आपने? मेरी हमेशा से यही रुचि रहती थी कि मैं होम्योपैथी दवाई ले सकता हूँ। होम्योपैथी में इंटरेस्ट है आपको? हाँ। अच्छा, फिर तो मेरे ये स्टोन 2 महीने में इनकी दवाई से पूरा एकदम नॉर्मल हो गया। नॉर्मल दर्द बिल्कुल आधे हिस्से में दर्द नहीं रहता है और बिल्कुल सही हूँ। अच्छा अच्छा, तो होम्योपैथी के बारे में आप आम जन को क्या समझाना चाहते हैं? कि जैसे आज हमारा होम्योपैथी दिवस भी है और बहुत कम लोग हैं जो होम्योपैथी के बारे में जानते हैं, तो मैं तो हर आदमी को ये कहता हूँ कि होम्योपैथी की दवाएं से इलाज बिल्कुल सही होता है और साइड डिफेक्ट भी नहीं होता है। अच्छा, साइड इफेक्ट भी नहीं है? हाँ, ठीक है। कोई गर्मी अच्छा, भी नहीं होती है। जो ऑपरेशन से पड़ने वाले आर्थिक भार के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को? मतलब ये कि जैसे कि आप इस चीज़ का ऑपरेशन करवाते तो आप पे आर्थिक भार भी आता। हाँ, तो उस बारे में आम जन को आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक दवाई लो, इतने पैसे क्यों खर्च करते हो? कम से कम मैं ऑपरेशन करा तो 40,000 रुपये लगते मेरे। अच्छा, अब मैं उससे बच गया, मेरे कम से कम 500 रुपये में इलाज हो गया। 500 रुपये में इलाज हो गया। हाँ। अच्छा, तो ये आपने सुना मनीराम जी से इनके व्यूज़ होम्योपैथी के बारे में। और एक तो होम्योपैथी दिवस है आज, और एक मेरी खुशी तो दुगनी हो गई है कि मुझे एक अच्छा न्यूज़ मिली है आज कि मैंने एक हमारे पेशेंट को फिजिकल पेन से तो बचाया ही बचाया है, पढ़ने वाले आर्थिक भार से भी बचाया है। थैंक यू सो मच। जय हनुमान, जय होम्योपैथी।